के चलते हैं जालौर, जहां पर मुख्यमंत्री आज बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जालौर के दौरे पर आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करते हुए बाढ़ प्रभावित जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, नुकसान के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दरअसल लगातार वो हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं नुकसान का, और खुद वहां पर जो पीड़ित हैं यानी कि बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी मुलाकात करें ताकि नुकसान को वो समझ सकें। कई जगह जो निचले इलाके थे जालौर में वो पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए थे, बाढ़ जैसे हालात बने थे। जालौर उन इलाकों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ ने तबाही मचाई। कई ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सड़कें लबालब पानी में, समुद्री लहरें यहाँ पर नजर आई हैं, गड्ढे बड़े बड़े नजर आए हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए, निचले इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। उनको आखिरकार कैसे फिर से उनकी जिंदगी सामान्य करनी है, कैसे उन्हें वापस घरों में पहुंचाना है, ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वहां पर देखिए काफ़ी लोग मौजूद हैं मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए। आज लोगों के बीच में मुख्यमंत्री, पहले उनका स्वागत किया जा रहा है। स्पीच जालौर, पाली और इसके बाद जोधपुर, तीन जिलों का दौरा आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कल भी कई इलाकों को हवाई सर्वेक्षण किया था, पेपर जो है तूफान, हालांकि उसका असर लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। गुजरात की तरफ से टकराने के बाद जिस तरह से राजस्थान लैंड पेपर जो है की भारी तुपाही का मंजर हमने देखा और इस मंजर के निशान आज भी बाकी है। कैसे लोगों के जीवन को पटरी पर सामान्य करना है ये अब सरकार के लिए चुनौती है। हालांकि सरकार ने जिस तरह के इंतजाम किए थे, जनहानि तो नहीं हुई लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मुख्यमंत्री अब लोगों के बीच में है और उनसे खुद बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना नुकसान, चूंकि कई ऐसे इलाके जहां से लोगों को सुरक्षित इवैक्यूएट किया गया था लेकिन उनके घर जो थे वो जलमग्न हो गए थे, और उन्हें अब वापस घर कैसे पहुंचाना है, उनकी जिंदगी को कैसे सामान्य करना है, इसको लेकर अब बड़ी चुनौती और सरकार इसी पर मंथन करती, विचार करती। चलिए अब आपको दिखाते